ओके हाँ बच्चों, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, रिजाइन करो लास्ट लेक्चर में। कोई बताएगा मुझे कहाँ तक हुआ था, जल्दी। हाँ वरुण, बच्चे माइक ऑन करो। सर ये वो क्वेश्चंस दिए थे आपने, ये हो गया था क्या क्वेश्चन? ये वाला मतलब होमवर्क के लिए दिए, डिस्कस नहीं हुआ। कहाँ तक करा दिया था डिस्कस, ये करा दिया था क्या? नहीं सर। यार मेरे को लगता है मैंने ये तो करा दिए होंगे यार। आई थिंक यहाँ से होमवर्क दिया था आपने सर। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था? हाँ सर, ये इसके बाद जितने भी थे वो सारे। हाँ सुजल बोलो। सुजल आपने रिजल्ट क्या कुछ बोलना है बच्चे? वरुण माइक ऑन करो। यस सर, डिस्कस कर लेते फिर फटाफट। सर यहाँ पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगा। कोई और है क्या इस बैच में? सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। मैं कर रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे 52 तक करा दिया था, मुझे भी ऐसा याद है मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था। मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ है ना। वरुण के पीछे डिस्टरबेंस है, कोई बच्चा जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो रिजाइन करे फटाफट। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, कोई तो होगा ही। हाँ सर, सर पीछे के भी बाकी है मतलब बाकी है। यस सर। कौन सा? स्टार्टिंग से आपने होमवर्क दिया था सिर्फ। कहाँ से दिया था, पेज वन से या फिर यहीं से? नहीं यहाँ से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख ले। ओके क्या दे रखा है बच्चे? Each coulomb has radius r and moment of inertia has radius r and moment of inertia i. The acceleration of the block is acceleration of block पूछा है। तो ये ऐसे है, अब यहाँ पे देखूंगा इफ आई अज्यूम कि ये बड़ा है ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो yes, फिर क्या होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, करेक्ट? यस सर, है ना। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे कैपिटल एम जी, ऊपर टेंशन टी थ्री, यस सर, है ना। मान लो ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए, राइट। ये स्मॉल एम है, नीचे स्मॉल एम जी, ऊपर टेंशन टी वन, ऊपर एक्सेलरेशन ए, करेक्ट? एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? यस सर। क्यों? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उससे क्या होता है? सेम वेलोसिटी से जाते हैं। अच्छा सेम वेलोसिटी से जाता है, तो एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा? स्ट्रिंग कंस्टेंट से। स्ट्रिंग कंस्टेंट है, स्ट्रिंग कंस्टेंट में क्या होता है, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, और हमें पता है स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करती, तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन ए के इक्वल होगा अल्फा आर। तो बाय दैट सेम लॉजिक यहाँ का अल्फा आर यहाँ के भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करता। ओके यहाँ तक क्लियर है? एफबीडी क्लियर है? एफबीडी क्लियर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम जी माइनस टी थ्री इज एम ए, टी वन माइनस एम जी इज स्मॉल एम ए। यस सर।
ओके अब टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए. टॉर्क इक्वेशन क्या, आर क्रॉस टी थ्री, ये कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज. किसके लिए लिखा, ये बी के लिए नीचे लिखा, आर टी थ्री क्लॉकवाइज और टी टू की तरह ये है राइट, आर टी टू करेक्ट. यस सर, है ना. तो ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, इनका नाम बदल देता हूँ. ये फॉर बी होना चाहिए और ये फॉर ए होना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग. ठीक है. यस सर. तो हम लिख दिया ये एंटी क्लॉकवाइज इज आई अल्फा राइट. यस सर. यही काम बी के लिए देखते हैं. बी में क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे जाएगा करेक्ट. यस सर. तो यहाँ पे आर टी टू क्लॉकवाइज और आर टी वन एंटी क्लॉकवाइज. यस सर. आर टी टू माइनस आर टी वन, माइनस ले लिया क्योंकि क्लॉकवाइज को लिया है आई अल्फा, अल्फा आ गया आर टी टू माइनस टी वन बाय आई. समझा. यस सर. ये आ गया और ए इक्वल्स टू अल्फा आर होता है. यस सर. तो सॉल्व कर लेंगे हम. तीन इक्वेशन तीन अननोन कर लेना सॉल्व करेक्ट. यस सर. ये क्वेश्चन रीड करो ढंग से. 44th. In a pulley system shown, if radius of the bigger and the smaller pulley are 2 meter and 1 meter respectively and the acceleration of the block A is 5 meter per second square in the downward direction, the acceleration of the block B will be? A वाला नीचे जा रहा है. Yes, sir. तो इसपे अल्फा इधर नीचे आएगा. Yes, तो ये ऊपर जाएगा और इसका अल्फा ऊपर आएगा. Yes, sir. अल्फा सेम रहता है. Yes, sir. तो अगर ये ए है तो यहाँ पे अल्फा आर ए, यहाँ पे अल्फा आर बी और यहाँ पे ए बी. तो सिंपल लॉजिक है, ए बी को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, अल्फा अल्फा आर बी के. और ए को किसके नीचे लिख सकता हूँ, अल्फा आर ए के. दोनों को डिवाइड करा दूंगा. सर दोनों इक्वल नहीं होंगे, रेडियस इक्वल नहीं है ना. यस सर. तो रेडियस इक्वल नहीं है तो अल्फा सेम होता है ना, अल्फा सेम होने के कारण रेडियस इक्वल होता है तो हमारा एक्सेलरेशन सेम आ जाते हैं राइट. यस सर. तो अल्फा दोनों को डिवाइड कराऊंगा तो ए बी कितना आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ आर बी अपॉन आर ए. आर बी आर डी दे रखा है डी पॉइंट का, आर ए दे रखा है आपको आर सी, तो 5/2 आ जाएगा. समझा क्या. यस सर. कोई डाउट. नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रॉड है. यस सर. ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगी तो हमसे क्या पूछा है, हिंज फोर्स. ठीक है. तो क्वेश्चन वही रहता है सिंपल. हिंज फोर्स में हमेशा क्या करना होता है, एफबीडी में एमजी लिखो, एनवाई लिखो, एनएक्स लिखो. उसके बाद ए टेंजेंशियल लिखो सेंटर ऑफ मास का, ए सेंट्रीपेटल लिखो सेंटर ऑफ मास का. फोर्स इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन और वहां से आंसर आ जाएगा. तो टॉर्क इक्वेशन अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए कौन सा है, ये पॉइंट है एओ क्रॉस एमजी आई ए अल्फा, एल बाय टू एमजी आई एम एल स्क्वायर बाय थ्री अल्फा. अल्फा आ गया 3g/12 राइट. सर एक डाउट है. बोलो सर. अल्फा अगर एक इंस्टेंस पे निकला तो हर पॉइंट पे सेम होगा ना, उस इंस्टेंट पे हर पॉइंट पे सेम होगा. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह सेम होगा. सीयूएम का निकाला जो अल्फा, तो फिर बाकी का भी सेम होगा. तो फिर हम लोग जब निकालते ना टेंजेंशियल अल्फा आर, हाँ तो आर अलग हो जाता है ना. आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है. हाँ तो फिर वो सीयूएम का क्या होगा, अगर सीयूएम से ही रोटेट हो रहे तो जीरो हो जाएगा. फिर सीयूएम से जीरो हो जाएगा, बट अभी रोटेशन तो ओके ए के अबाउट हो रहा है. यस सर. ओके. यस सर. अल्फा आ गया तो ए टेंजेंशियल सीयूएम कितना होगा, अल्फा आर सीयूएम 3g/12 इनटू एल बाय 2. यस सर. 3g/4 आ जाएगा. यस सर. एनर्जी कंजर्वेशन
टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, इनिशियल इज जीरो, एम जी एल बाय फोर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस जीरो, यस सर, एम जी एल बाय फोर इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि मुझे ए सेंट्रीपिटल चाहिए और ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाहर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है, यस सर, करेक्ट. ओमेगा yes, निकाला एनर्जी कंजर्वेशन से और फिर आप उसको यूज करेंगे, करेक्ट. एफ नेट वाई कितना होगा? एम जी माइनस एन वाई, दैट इज एम इंटू ए टेंजेंशियल, एम जी माइनस एन वाई, ए टेंजेंशियल थ्री जी बाय फोर निकाला था तो एन वाई की वैल्यू आ गई. यहाँ से सॉल्व करोगे तो एम जी बाय फोर. एफ नेट एक्स कितना होगा? एम इंटू ए सी एम एक्स, दैट इज ए सेंट्रीपिटल, एन एक्स इज इक्वल टू थ्री एम जी बाय फोर आ जाएगा. समझा क्या? यस सर. एन एक्स एन वाई आ गया, वही पूछा था और एंगल पूछा था तो एन एक्स एन वाई आ गया, तो टेन थीटा निकाल सकते हैं एन वाई बाय एन एक्स. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर स्पिन्ड अबाउट इट्स एक्सेस टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट and then placed into a corner. The coefficient of friction between the corner wall and the cylinder is mu k. How many turns will the cylinder accomplish before it stops? Omega कौन से direction में? Anti-clockwise. Okay. मतलब रुकना है उसको finally? Yes. रुकेगा मतलब हो क्या रहा होगा? कोई तो retardation होगा. Yes, sir. अब यहाँ पे ये क्लियर है क्या कि रिटार्डेशन होगा? तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन. यस सर, करेक्ट. ऑपोजिट टू ओमेगा, ओमेगा किधर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. तो हमारा जो अल्फा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज. हाँ बच्चे, यहाँ पे दीपक जैन, आपने पहली बार जीवन में कभी डाउट पूछा है वो भी मैसेज लिख दिया है. आपको प्रोटोकॉल नहीं पता क्या कि आप रेज हैंड किया करो, नहीं तो मैं मैसेजेस देखता ही नहीं हूँ. नए बच्चे थोड़ी हो आप. एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट, परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, टैन थीटा होता है, समझा? तो रेज हैंड तो किया करो बच्चे, माइक मत ऑन करो, रेज हैंड तो करो एटलीस्ट. आप लिख दो कि सर डिस्टर्बेंस है. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? ny होगा और बेस कौन सा होगा? nx होगा. समझा क्या? हाँ. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रुकना है तो अल्फा क्या होना चाहिए? ओमेगा के पीछे आना चाहिए, राइट साइड. यस सर. तो fbd बनाते, सेंटर पे mg नीचे लगेगा. यस सर. नॉर्मल रिएक्शन फॉर्म ग्राउंड ऊपर लगेगा. yes. यहाँ पे वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा राइट पे. yes, sir. राइट. अब ये ओमेगा कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. yes, sir. तो ये भी ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन ऊपर. yes, sir. फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. yes, sir. ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा. सर वो एनजी सीयूएम पे क्यों लगेगा? शिफ्ट हो सकते हैं. बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है. कहाँ? आपके माथे पे लगाऊं, मैं कहाँ लगाऊं? mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना बच्चे. सर सेंटर ऑफ मास की सर mg नहीं, ng जो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड आपको लगता है यहाँ पे जो पॉइंट कांटेक्ट पे होगा उसी पे लगेगा ना. यस सर. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटर वाली लाइन होगा ना. यस सर. थ्रू ए पॉइंट से लगेगा ना. हां यस सर. fpd समझा? यस सर. फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझा? yes, यहाँ पे पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? टेंजेंशियली ऊपर. यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो उस पर टेंजेंशियली लेफ्ट में. क्लियर है? yes, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, y एक्सिस में ऊपर n ग्राउंड, ऊपर f फ्रॉम वॉल और नीचे mg, ये जीरो होना चाहिए. n ग्राउंड f वॉल कितना होगा? म्यू के इंटू एन वॉल इज इक्वल टू mg. राइट. यस सर. इक्वेशन वन. एक्स एक्सिस में देखेंगे, राइट में एन वॉल,
लेफ्ट में एफ ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू जीरो एन वॉल माइनस म्यू के इनटू एन ग्राउंड मस्ट बी इक्वल टू जीरो समझा क्या यस सर तो यहां से एन वॉल की वैल्यू कितनी आ गई म्यू के इनटू एन ग्राउंड ये इक्वेशन टू है इसको वन में डाल देंगे तो एन ग्राउंड प्लस म्यू के इनटू एन वॉल था ना एन वॉल की जगह क्या डाला म्यू के इनटू एन ग्राउंड इक्वल टू एमजी इक्वेशन टू से तो यहां से एन ग्राउंड कॉमन लिया तो वन प्लस म्यू के स्क्वायर इज एमजी एन ग्राउंड की वैल्यू आ गई एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर क्लियर है क्या एन वॉल कितना आएगा एन वॉल अभी हमने यहाँ पे निकाला ऊपर तो म्यू के एनजी तो म्यू के एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर समझा तो आई नो एन ग्राउंड आई नो एन वॉल क्लियर है टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे अब सीएम के अबाउट वहीं से तो अल्फा आएगा सीएम के अबाउट लिखेंगे तो एमजी का जीरो एन ग्राउंड का जीरो एन वॉल का जीरो राइट बचा किसका फ्रिक्शन का और एफ वॉल का क्योंकि ये दोनों सीएम पे नहीं लगते तो इनका आएगा इट इज इक्वल टू व्हाट आई अल्फा करेक्ट ग्राउंड वाला निकाल रहा हूं आर क्रॉस एफ ग्राउंड डायरेक्शन क्या आएगा आर क्रॉस एफ वॉल डायरेक्शन क्या आएगा क्लॉकवाइज समझा यस सर तो यहाँ पे क्या आएगा आर एफ ग्राउंड क्लॉकवाइज प्लस आर एफ वॉल क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट आई अल्फा तो आर एफ ग्राउंड इज म्यू के एन ग्राउंड यस सर प्लस आर एफ वॉल इज म्यू के एन वॉल यस सर क्लॉकवाइज इज आई अल्फा यस आर म्यू के एन ग्राउंड कितना निकाला था हमने एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर आर म्यू के एन वॉल हमने निकाला म्यू के एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू आई कितना एमआर स्क्वायर बाय टू क्योंकि सिलेंडर है या डिस्क है अल्फा करेक्ट कॉमन क्या क्या आ जाएगा आर म्यू के एमजी बाय वन प्लस म्यू के स्क्वायर आर म्यू के एमजी बाय वन प्लस म्यू के स्क्वायर ये आ जाएगा राइट जस्ट गिव मी अ मिनट एक मिनट देना बच्चे कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट है सर माइक ऑन है ना बच्चे यस सर एक मिनट तो यहाँ पे जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लूंगा क्या क्या कॉमन है आर म्यू के एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर यस सर आर म्यू के एमजी अपॉन वन प्लस म्यू के स्क्वायर यस तो वन प्लस म्यू के और इधर एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा करेक्ट यस सर M से M कैंसिल हो जाएगा R और या पावर वन करेक्ट yes, तो अल्फा कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टू ऊपर और R डिनोमिनेटर में राइट यस सर तो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे टू म्यू के जी वन प्लस म्यू के अपॉन R डिनोमिनेटर में वन प्लस म्यू के स्क्वायर ये अल्फा आ गया डायरेक्शन yes, इसका कौन सा आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है ओमेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज था और ये कॉन्स्टेंट आ गया कैसे कॉन्स्टेंट पता पड़ा म्यू के कांस्टेंट होता है जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है राइट तो यहां से हम क्या देख सकते हैं
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा. कितना जो भी हमने निकाला था ये माइनस साइन क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज था, तो वी हैव टेकन एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव. तो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ को सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा. यस सर. थीटा क्या है? टोटल एंगल मूव्ड. करेक्ट. यस सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है तो 10 चॉकलेट के कितने हुए? 50. कैसे निकाला? नंबर से मल्टीप्लाई किया. 5 × 10. करेक्ट. यस. एक सर्कल घूम रहा हूँ. Yes, कितना एंगल ट्रैवल करूंगा? 2 पाई. यस सर. राइट. एक सर्कल में एंगल ट्रैवल इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई. अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन है तो टोटल एंगल कितना होगा? 2 पाई एन हो जाएगा. यस सर. करेक्ट. टोटल एंगल थीटा है, दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. राइट. तो थीटा मुझे पता है, थीटा बाय 2 पाई मेरा एन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा था. तो थीटा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई से डिवाइड कराते ही आ जाएगा. समझा क्या? यस सर. किस? हाँ बोलो. तो पीछे पेज में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों लिया? आपको क्या लेना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया था ना. कहाँ लिया था? देखो इस क्वेश्चन में नहीं लिया. मैं तो सिर्फ ये कहा कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो. ओके सर. समझा? यस सर. ओके. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ क्या दे रखा है बच्चे? ट्रायंगल. तीन पार्टिकल है जिनका सेम मास है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मासलेस रॉड. तो रॉड मासलेस है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. राइट. दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ बॉडी ऑफ साइड लेंथ एल. दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड इज हिंज्ड एट पॉइंट ए. ए पॉइंट पे हिंज कर रखा है. इट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अबाउट वर्टिकल थ्रू. यार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उस दिन आपके साथ, वर्टिकल टेबल वाला. जब मैंने अच्छा पक्का पक्का सर. विदाउट फ्रिक्शन वर्टिकल एक्सिस के अबाउट द बॉडी सेट इन रोटेशनल मोशन ऑन द टेबल विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो है यहाँ पर वो है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कहाँ पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे. फ्रिक्शनलेस. ए भाई हॉरिजॉन्टल टेबल पे. राइट. यस सर. दूसरी चीज, इनिशियली हमारा ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट है. यस सर. कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. राइट. यस सर. ये दोनों चीजें समझा? यस सर. अब हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है ना, एग्जर्टेड बाय द हिंज. और फिर ये बोला है कि टाइम टी पर हमने एक फोर्स एफ पी लगाया. ये जो फोर्स है वो टाइम टी पे लग रहा है, ए पार्ट में नहीं लग रहा. ठीक है. तो तब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा उसके बाद एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स बाय द हिंज. ओके. ठीक है. तो अगर ये है चीजें तो अब देखते हैं आगे. कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल. यस सर. हेंस mg तो टेबल पे नीचे लगेगा, उस दिन जो मैंने बताया था. यस सर. और n कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा. क्लियर है? यस सर. ये हमारा टॉप व्यू है, ऊपर से देखने वाला व्यू है. यस सर. है ना? क्लियर है? हाँ. अब इन दोनों का कोई टॉर्क नहीं लगेगा,
मिलाकर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल आउट करेंगे, एक ही पॉइंट पे लगते हैं एम जी और एम, सेंटर ऑफ मास भी लगा देंगे हम. यस सर. तो सेंटर ऑफ मास भी लगाएंगे तो दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में. यस सर. आर तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि सेम ही जगह लग रहे हैं, राइट. एफबीडी बना रहा हूँ, देखना इंटरेस्टिंग है एफबीडी. एफबीडी में मैं जब देखूंगा फर्स्ट पार्ट में तो केवल एनएक्स और एनवाई ही लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स एफ तो लग ही नहीं रहा ए पार्ट में, करेक्ट राइट. तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एनएक्स और एनवाई लग रहा है और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, राइट. यस सर. एमजी और नॉर्मल रिएक्शन तो की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उनका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसकी बात ही नहीं करी, ठीक है. यस सर. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो पन्ने बनाया, यस राइट, बट साइड्स मासलेस है. मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास सी पे रखा हुआ है और एक मास बी पे रखा हुआ है, करेक्ट. तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेंट्रॉइड पे आएगा. यस सर. सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है एरिया, ए हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 2/3 ऑफ एडी, और ओडी आ जाएगा 1/3 ऑफ एडी, करेक्ट. यस सर. राइट. यस. तो ये 2/3 आ गया और ये 1/3 आ गया, करेक्ट. यस. नेक्स्ट पार्ट, इक्वेटर ट्रायंगल ऑफ लेंथ एल, AD की लेंथ कितनी होगी, L sin 60 परपेंडिकुलर, यस, इस हाइपोटेन्यूस sin 60 पे कितना आ गया, L root 3 by 2, L root 3 by 2, करेक्ट. यस. सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड करता है परपेंडिकुलर को 2:1 के रेशियो में, यस. A हो जाएगा 2/3 ऑफ AD, L root 3 by 2 into 2/3, that is L by root 3, करेक्ट. यस. हमारा सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आ गया L by root 3, करेक्ट. यस सर. अब अगर L by root 3 आ गया, APCUM कितना होगा, ACP ओमेगा, यस सर, ओमेगा स्क्वायर RCM, ओमेगा गिवन है हमें क्वेश्चन में, कांस्टेंट है ना, यस सर. तो ACPCUM हो गया ओमेगा स्क्वायर AO, AO की वैल्यू कितनी निकाली, L by root 3, तो A सेंट्रिपिटल CUM हो गया, करेक्ट. यस सर. A टेंजेंशियल कितना होता है, अल्फा आर होता है. Yes, sir. अल्फा आर को मैंने जीरो लिख दिया डायरेक्टली, क्यों, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, जीरो. अगर अल्फा जीरो होगा तो ए टेंजेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा. yes, sir. समझा क्या. yes, sir. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं तो एनवाई लग रहा है, ए सेंट्रिपिटल लग रहा है, बट ए टेंजेंशियल तो नहीं लग रहा ना. yes, sir. तो एनएक्सपी क्या करेगा, नहीं लगेगा. Yes, तो अगर एनएक्स नहीं लगेगा तो ये नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा, राइट. सर, सीयूएम से ए सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन और ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन वो कैसे आया, रोटेट ऐसे कर देगा. yes, तो टेंजेंशियल इधर आएगा और सेंट्रिपिटल सेंटर की तरफ आएगा. यस सर. समझा क्या. यस सर. Just give me a minute. तो सर ये डायरेक्शन समझ में आ गए. यस सर. मुझे क्या दिख रहा है, ATCUM तो जीरो है. यस सर. अगर ये जीरो है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो का, बिकॉज दैट वाज द ओनली फोर्स, करेक्ट. ATCUM इज अल्फा RCM, दैट इज जीरो, तो NX भी जीरो हो जाएगा. अब बी पार्ट में हमने क्या किया, फोर्स FP अप्लाई किया हॉरिजॉन्टली, करेक्ट. यस सर. तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ये F इस डायरेक्शन में, करेक्ट. यस सर. तो अब इसका टॉर्क आएगा, क्योंकि R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. यस सर. राइट. यस. तो R क्रॉस F आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर विल बी
टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए, आर्क कराओ सर. अगर टॉर्क लगेगा तो अल्फा जीरो नहीं होगा क्योंकि टॉर्क इज आई अल्फा, और अगर अल्फा जीरो नहीं होगा तो एटी सीएम भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा. समझा? तो टॉर्क अबाउट ए, एनएक्स का टॉर्क, एनवाई का टॉर्क, फोर्स एफ का टॉर्क, आई अल्फा. एनएक्स और एनवाई का टॉर्क कितना है, जीरो. एफ का टॉर्क कितना है, एडी क्रॉस एफ आई अल्फा. एडी की वैल्यू वो जो निकाला था परपेंडिकुलर, दैट इज एल रूट थ्री बाय टू इंटू एफ. देखते जाना कैसे. आर ये एडी हो जाएगा. यस सर. एल साइन 60, एल रूट थ्री बाय टू क्रॉस एफ. डायरेक्शन कितना है, एंटी क्लॉकवाइज. अब हमारे पास क्या है, रॉड तो मासलेस है. यस सर. एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और तीसरा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है. पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई एम आर स्क्वायर होता है किसी भी एक पार्टिकल का. यस सर. तो ए का तो जीरो हो जाएगा, बी का कितना आएगा या सी का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर. और ए का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर. तो ये एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर फॉर बी एंड फॉर सी इंटू अल्फा इज दिस क्लॉकवाइज. एफ एल रूट थ्री बाय टू इज टू एम एल स्क्वायर अल्फा. अल्फा की वैल्यू आ गई एफ रूट थ्री बाय फोर एम एल क्लॉकवाइज. समझा क्या. तो ए टेंजेंशियल सीएम कितना होगा, अल्फा क्रॉस आर सीएम. यस सर. एफ रूट थ्री बाय फोर एम एल. आर सीएम कितना, एल बाय रूट थ्री. टू थर्ड था ना हमने निकाला था ए ओ, तो एल बाय रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो एफ बाय फोर एम बचेगा. करेक्ट. यस सर. अब मैं फोर्स इक्वेशन लिख सकता हूँ. एफ नेट एक्स टूवर्ड्स राइट है, एफ प्लस एन एक्स दोनों राइट में लग रहे हैं. Is yes, m into acm होगा. Yes sir. acm x होगा क्योंकि x axis की बात करें जो कि tangential acceleration है जो हमने निकाला f by 4m. m कितना होगा, system का होगा क्योंकि हम system का FBD बना रहे हैं ना. Right? Yes sir. तो f plus nx कितना है, 3m into f by 4m. तो nx की value कितनी आई, 3f by 4 minus f. Minus. That is. माइनस एफ बाय फोर. समझा क्या. तो एन एक्स कितना आ गया, एफ बाय फोर टुवर्ड्स लेफ्ट. टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों, क्योंकि मैंने एन एक्स को राइट में माना था और नेगेटिव आ गया इसलिए लेफ्ट में आएगा. समझा. एफ नेट वाई एन वाई एक इकलौता ही फोर्स है. एम इंटू ए सेंट्रिपिटल सीएम ओमेगा स्क्वायर आर सीएम. ओमेगा गिवन है, आर सीएम की वैल्यू एल बाय रूट थ्री. m system is 3 omega square l by root 3. So root 3 m omega square l आ गया. समझा क्या. Yes sir. Clear है. Yes sir. कोई doubt? No sir. यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. So, sir, how mg perpendicular? Anushka, can you raise your hand? Please message लिखने से पहले, can you switch on your mic? Anushka, I have just read your message. आपने कब लिखा था, I don't know. But are you there? If yes, can you switch on your mic? Just reply yes or no. बहुत आवाज है, रिप्लाई करो ना. यू कैन नॉट स्विच ऑन. ये कहां रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है. आपको मुझे रिप्लाई तो करना पड़ेगा यस और नो. हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है तो ये टॉप व्यू है. कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं हम. तो अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो एमजी कहां लगेगा, mg inside the plane लगेगा. ये direction होगा mg का और normal reaction का direction कौन सा होगा, ये होगा जो ground से आएगा. समझा क्या.
ओके सिड, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें. यस सर. कंसिडर टू हैवी सर्कुलर रोलर्स, बहुत हैवी हैं, ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली, रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. कहां पे है? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए, ठीक है. द लार्जर रोलर हैज अ स्ट्रिंग बाउंड अराउंड इट टू विच हॉरिजॉन्टल फोर्स पी कैन बी अप्लाइड. बड़े वाले पे क्या है? एक ये स्ट्रिंग लग रही है, राइट? अब उस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, करेक्ट? नाउ अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एम हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट. डिटरमाइन द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच लार्जर रोलर कैन बी पुल्ड ओवर द स्मॉलर रोलर, मतलब ये इसके ऊपर चढ़ सके. समझा क्या? अज्यूम स्मॉलर सिलेंडर शुड नीदर रोल नॉर स्लाइड. जो छोटा वाला है वो रोल भी नहीं करे और स्लाइड भी नहीं करे. ओके, और हमें कुछ दे रखा है जो मैंने क्वेश्चन में नीचे लिख रखा है. फाइंड म्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. टेक स्मॉल आर एज आर वन एंड कैपिटल आर एज टू आर वन. ओके, उसके ऊपर चढ़ाना है और छोटे वाले को ना हिलना चाहिए ना घूमना चाहिए, करेक्ट? यस सर. मतलब छोटे वाले पे नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा. यस सर. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसके अबाउट रोटेट तो किसी के अबाउट नहीं कर रहा सर, वो बड़ा वाला भी. बड़े वाला तो हाँ उसके अबाउट करेगा, करेक्ट? यस सर. तो छोटा वाला नहीं कर रहा ना रोटेट, तो छोटे वाले का एफबीडी बना है. यस सर. छोटे वाले में क्या होगा? सेंटर सी नीचे एम जी, यस सर, ऊपर एम वन नॉर्मल फॉर्मूला. इधर कॉन्टैक्ट है बड़े वाले से तो एक बड़ा वाला इधर एन टू लगा देगा. यस सर, करेक्ट? अब अगर इधर एन टू लगाया और मान लो ये हॉरिजॉन्टल से मैंने एंगल थीटा लिया है तो राइट में कितना आएगा? एन टू कॉस थीटा. और नीचे कितना आएगा? एन टू साइन थीटा. समझा? यस सर. ओके, अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है. ग्राउंड से फ्रिक्शन किधर आएगा? लेफ्ट में. वो सब देख लेते हैं, है ना. एन टू कॉस थीटा इसको राइट में धक्का देगा. यस सर. तो ग्राउंड से फ्रिक्शन उसको लेफ्ट में लगेगा ताकि रोक सके. यस सर. ये जो बीच वाला फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ये यहाँ पे ऐसा कैसा क्यों लिखा देखना, ऊपर चढ़ेगा ना. एरो के हेल्प से समझा रहा हूँ, इसको मैं पिंक करके देखता हूँ. ये बड़ा वाला ऐसे ऊपर चढ़ेगा, फ्रिक्शन मदद करेगा तो अपोजिट. अरे मेरी बात सुनो तो भाई, ये ऊपर चढ़ेगा. यस सर. कलर ब्लैक ले लेता हूँ या ब्लू ले लेता हूँ. ये ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है ऐसे. यस सर. अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे ऐसे घूमेगा. यस सर. तो उस खुद के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोज करने के लिए पीछे लगेगा. यस सर. तो नीचे छोटे वाले पे बाय एक्शन रिएक्शन लो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे. समझा क्या? यस सर. क्लियर है? यस. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे लग रहा है. यस सर. टेंजेंशियल लगता है फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस. यस सर. ये अगर एंगल थीटा था, यहाँ पे ये एंगल, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा. यस सर. तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा जो मैंने कलर किया है. यस सर. क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है ना, तो ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए, करेक्ट? यस सर.
तो अगर यहाँ एफ टू और ये थीटा है तो नीचे की तरफ कितना एफ टू कॉस थीटा, लेफ्ट की तरफ कितना एफ टू साइन थीटा, करेक्ट। तो अब मेरे फोर्सेस एफ बी डी बन गया है, एफ बी डी बन गया है। तो देखते जाना फोर्सेस क्या क्या है, ऊपर क्या है एन वन, यस सर, नीचे क्या है एफ टू कॉस थीटा, नीचे क्या है एम टू जी, नीचे क्या है एन टू साइन थीटा, करेक्ट। यस सर, तो एन वन को इन तीनों के इक्वल लिख दूं, यस सर, एन वन माइनस एम जी माइनस एन टू साइन थीटा माइनस एफ टू कॉस थीटा इज जीरो, करेक्ट। यस सर, तो ये लिख सकते हैं, है ना, मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्स है, एन टू कॉस थीटा, एन टू कॉस थीटा, लेफ्ट में एफ टू साइन थीटा, लेफ्ट में म्यू एन वन, करेक्ट। यस सर, राइट लेफ्ट के फोर्सेस इक्वल है, एन टू कॉस थीटा, लेफ्ट में एफ वन, लेफ्ट में एफ टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, करेक्ट। यस सर, ठीक है। अब मैंने ये जो थीटा माना है इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये तो हमने अज्यूम किया, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था। यस सर, तो मैं दिमाग लगा के थीटा निकाल सकता हूँ, कैसे, इधर देखना, ये लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लिया है, यस सर, और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक है। यस सर, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, यस सर, देखते जाना। अब ये लाइन दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है ना, AD तो बड़े वाले का रेडियस हो गया और CD छोटे वाले का रेडियस, यस सर, ग्राउंड से ये दोनों एक ही ग्राउंड पर खड़े हैं, ये R है तो ये भी R होगा स्मॉल R, यस सर, ये बड़ा वाला R में कैपिटल R होगा, यस सर, तो ये कितना आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल R आ जाएगा, यस सर, राइट। इसको यूज कर रहा हूँ, देखते जाना, ये एंगल थीटा, यस सर, ये ट्रायंगल, यस सर, साइन थीटा कितना होगा, ए बी बाय ए सी, ए सी, यस सर, ए बी कितना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यस सर, और ए सी कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, समझा, यस सर, ओके। तो टू आर वन माइनस आर वन अपॉन टू आर वन प्लस आर वन, यस सर, आर वन बाय थ्री आर वन आ गया, और यस सर, वन बाय थ्री, यस, ये साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा कितना होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस सर, वन माइनस जो भी लिखा वो, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये टू रूट टू बाय थ्री आ जाएगा, क्लियर है, यस सर, ओके। अब फोर्स इक्वेशन लिखी थी अभी तक, तो अब स्मॉलर वाला जो रोलर है वो रोटेट नहीं कर रहा एज वेल एज मूव नहीं कर रहा, तो जो फोर्स इक्वेशन लिखी थी उसको दोबारा लिख देता हूँ, एफ नेट भी जीरो होना चाहिए तो एफ नेट एक्स जीरो होना चाहिए, तो राइट में फोर्स एन टू कॉस थीटा था, लेफ्ट में एफ वन और एफ टू साइन थीटा था, इज इक्वल टू जीरो, तो एन टू कॉस थीटा एफ टू की जगह लिख दिया माइनस म्यू एन टू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, एफ नेट वाई ऊपर सिर्फ एन वन था और नीचे एम जी था, एन टू साइन थीटा था एफ टू कॉस थीटा था इज इक्वल टू जीरो, एन वन माइनस एन टू साइन थीटा एफ टू साइन थीटा को म्यू एन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट एम जी, इक्वेशन टू, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो टॉर्क अबाउट सी, एम जी का टॉर्क, एन वन का टॉर्क, एन टू का टॉर्क सबका मिलाकर प्लस एफ फ्रिक्शन का टॉर्क प्लस एफ वन का टॉर्क जीरो होना चाहिए, अब एम जी एन वन और एन टू का तो जीरो है सीएम के अबाउट, राइट, यस सर, तो वो तो ऑलरेडी जीरो है। अब अपन आगे देख लेते हैं, एफ वन और एफ टू का टॉर्क निकालते हैं, एफ वन का टॉर्क आर क्रॉस एफ वन, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एफ टू में आर एफ टू डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यस सर, दिस एफ टू इज एंटी क्लॉकवाइज आर एफ टू, एफ वन इज आर एफ वन क्लॉकवाइज, आर एफ टू इज इक्वल टू आर एफ वन, मतलब एफ टू इक्वल टू एफ वन, मतलब म्यू एन टू इक्वल टू म्यू एन वन, एन वन और एन टू इक्वल आ गए, यस सर,
एन वन एन टू इक्वल आ गया तो थर्ड को इक्वेशन वन में डाल दो. इक्वेशन वन थी एन टू कॉस थीटा माइनस म्यू एन टू साइन थीटा इज म्यू एन वन. एन वन की जगह एन टू डाल दिया. एन टू कॉमन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज म्यू एन टू. एन टू एन टू कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज म्यू. तो म्यू को एक साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज म्यू इंटू वन प्लस साइन थीटा. तो वैल्यू डाल दो कि कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो और वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू डाल दो. सॉल्व कर लेना, म्यू आ जाएगा आपका. समझा क्या किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राइट. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वही जो हम पहले सीखते थे वही सारी चीजें हैं. ये वाला इधर जाएगा. ये बड़े वाले रूलर से कनेक्टेड है तो इसका रेडियस अलग होगा राइट. बी का और ए वाला छोटे वाले से कनेक्टेड है तो उसका रेडियस अलग होगा राइट. यस सर. यहां तक बात समझा क्या? यस. ओके यहां तक क्लियर है तो आगे देखते हैं. ठीक है क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रखा है? बी वाले का मास दे रखा है, ए वाले का मास दे रखा है. यस सर. दे रखा है ए वाला कौन सा मास है? 2 केजी. बी वाला 26/7. तो ऑब्वियसली 26/7 हैवी है तो इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा करेक्ट. यस सर. पुली हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है एंड इट कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन. इनर एंड आउटर रेडियस दोनों के रेडियस दे रखे हैं. क्लियर है? अब है ना बी इज हैंगिंग विद दिस. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है हमें. टेंशन और एक्सेलरेशन पूछा है तो मेथड क्या होगा? मेथड वही रहेगा फोर्स इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा राइट. एफपीडी बना रहा हूं देखते जाना. M2 में नीचे M2G, इसका एक्सेलरेशन AB मान लिया, इधर टेंशन T1 मान लिया. ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे कलर करें ब्लू कलर से देखेंगे दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना बच्चे? यस सर. तो यहाँ पे A टेंजेंशियल C AB के इक्वल होगा वो अल्फा टाइम्स आर बी होगा. रेडियस अलग है तो आर बी लिखा है मैंने इसलिए, नहीं तो अल्फा आर लिख देता राइट. यहाँ पे टेंशन टी टू, यहाँ ऊपर टी टू, पीछे टू जी साइन 37, ऊपर नॉर्मल, नीचे टू जी कॉस 37 और पीछे फ्रिक्शन. पीछे फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा. ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि बी वाला नीचे जाएगा राइट. यहाँ पे डी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो ए टेंजेंशियल डी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा. दैट इज अल्फा आर ए. आर ए और आर डी अलग अलग है राइट. ओके तो फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला 2g cos 37. फ्रिक्शन है म्यू टाइम्स एन, म्यू इंटू 2g cos 37 करेक्ट. यस सर. ए बी कितना होगा? ए टेंजेंशियल के इक्वल अल्फा आर बी के इक्वल. तो 0.15 अल्फा. ए कितना होगा? ए टेंजेंशियल डी दैट इज अल्फा 0.1 अल्फा. समझा क्या? यस सर. फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो बी पे 26g/7 माइनस टी वन इज 26/7 ए बी राइट. अल्फा यस सर. ए बी की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 3. फोर्स इक्वेशन ए पे लिखेंगे तो टी टू जो अलोंग द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन है ये और माइनस क्या ये दोनों राइट. क्या देख सकते हैं टी टू माइनस ये दोनों इज एम इंटू ए ए करेक्ट. यस सर. ये टी टू आ गया, ये टी वन वाला आ गया, सॉरी ये वाला. तो टी टू को सॉल्व करके थोड़ा सा और लिख दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया ज्यादा. टी टू माइनस दिस दिस इज दिस. ये चार इक्वेशन हो गई. इन चार इक्वेशन में अभी मैंने टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखी और मेरे पास पांच वेरिएबल है. कौन कौन से? अल्फा ए ए ए बी एंड टेंशन राइट. यस सर. ठीक है तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें. यस सर.
T1, T2 टेंशन वेरिएबल थे, तो एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें? टॉर्क इक्वेशन से मिलेगी. टॉर्क रेडियस विल बी डिफरेंट फॉर T1 एंड T2. क्यों? यहाँ पे T1 लग रहा है नीचे और यहाँ पे T2 लग रहा है, तो रेडियस अलग अलग होंगे. RB T1 clockwise plus RA T2 anti-clockwise is I alpha. RB T1 clockwise. RA T2 anti-clockwise, correct? Yes, sir. तो मैं क्या देख सकता हूँ? RB T1 plus RA T2 is I alpha. Alpha clockwise है. तो क्लॉकवाइज वाले को ही पॉजिटिव लेंगे, राइट? क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? आरबी टी वन है. आरबी टी वन पॉजिटिव माइनस आर ए टी टू इज आई अल्फा. तो इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, ये पांचवी इक्वेशन आ गई. समझा क्या? क्लियर है? अल्फा सेम रहता है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है. ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, ऑब्जेक्ट एक ही है. ये ऑब्जेक्ट पता है कैसा होगा? साइड से देखेंगे तो ये छोटा वाला सर्कल है, इसके पीछे एक शाफ्ट लगी हुई है और ये बड़ा वाला सर्कल है. वरुण समझा? यस और नो? राइट, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वो सब लिखना सिखाया था आपको. Yes, तो उस पर क्वेश्चन है, सॉल्व करो.
आंसर आया क्या किसी का? आपने जो भी आंसर दिए वो तो गलत है। डिस्कस करें या क्या करें? मैसेज में रिप्लाई कर दो, डू यू नीड मोर टाइम? गलत है बच्चे, आप जो कह रहे हो वो सब गलत है। श्रुति, श्रुति डिस्कस करोगे? वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, चलो श्रुति माइक ऑन करो बच्चे, हो गया इनफ टाइम। श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। ये सेंटर ऑफ मास है, VCM कितना दे रखा है हमें? V। यस सर। रोटेशन ऐसा हो रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे आएगी? यस सर। है ना, और यहाँ पे ऐसे आएगी और बी पे किधर आएगी? इधर आएगी। यस सर। लास्ट लेक्चर में सिखाया था या बिफोर लास्ट लेक्चर में है कि जो भी वेलोसिटी होती है वो किसके कारण होती है? सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन दोनों के कारण होती है। तो अगर सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है तो ए पे COM की वेलोसिटी तो आने वाली है ये, और बी पर ये आने वाली है, करेक्ट? Yes, फिर टेंजेंशियल आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग होगा। सर्कुलर मोशन क्योंकि हमारा इस तरीके से है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर इधर आएगी ओमेगा इंटू आर, दैट इज ओमेगा इंटू एल बाय टू, और नीचे इधर आएगी ओमेगा इंटू आर, दैट इज ओमेगा इंटू एल बाय टू। ओमेगा की वैल्यू 2V/L दे रखी है, इंटू एल बाय टू, तो ये भी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. तो अब ए पॉइंट पे मुझे इधर आ रहा है वी और इधर आ रहा है वी, ओके? तो ये ए पॉइंट है, इस पे टुवर्ड्स राइट वी है और इस डायरेक्शन में वी है, ये दोनों डायरेक्शन में वी है, तो एंगल कितना है टोटल? 120 डिग्री। कैसे बच्चे? ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये रॉड है। यस सर। ये एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। Yes,
तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है और टेंजेंशियल वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टू रॉड होगी, परपेंडिकुलर टू रेडियस, करेक्ट? यस। ये एंगल 90 होगा और ये 30 है, तो टोटल एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। वेक्टर्स में आप पढ़कर आए हो, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं, यस, उनका जो एडिशन है रिजल्टेंट वो एंगल बाइसेक्टर पे लाया करता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 60 डिग्री लिख दिया। वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट लिख दिया है। और रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो ए स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अगेन वी स्क्वायर इंटू 2ab की जगह वी इंटू वी cos 120। समझा क्या? यस सर। cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो सॉल्व करोगे तो ये b ही बचेगा, तो वेलोसिटी ऑफ a आ गया v। क्लियर है? यस सर। वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे अगर अपन, ये पॉइंट बी है, तो इधर वी, इधर भी वी, राइट? तो अगर ये दोनों वी हैं और एंगल 60 डिग्री है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2vv cos 60, इसको सॉल्व करोगे तो वी रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व खुद ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद मैं कुछ चीजें बोलूंगा जो आपको सैटरडे के लेक्चर तक रिवाइज करके आनी है। हमें दे रखा है ये एक रोटेटिंग बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ए सी यू एम से, और ये अल्फा से रोटेट कर रही है, राइट? इसी इंस्टेंस पे ओमेगा भी गिवन है। हमें बोला गया श्रुति एक्सेलरेशन लिखो पॉइंट ए बी सी एंड डी का एट एन इंस्टेंस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो अगर मैं ए पॉइंट का एक्सेलरेशन देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास के कारण इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पीछे, राइट श्रुति? यस सर। और ए सेंट्रिपिटल अंदर, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? यस सर। B पे क्या होगा? A राइट में, A टेंजेंशियल B ऊपर, करेक्ट? यस सर। और A सेंट्रिपिटल पीछे, सर्कुलर मोशन। यस सर। C पे क्या होगा? A भी आगे, टेंजेंशियल भी आगे, COM वाला भी आगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था ना। यस। एंड हम क्या देख सकते हैं? सेंट्रिपिटल वाला अंदर। क्लियर है? यस सर। और डी पे देखेंगे तो ए सेंट्रिपिटल अंदर, ए सी एम वाला भी अंदर और टेंजेंशियल वाला नीचे। क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों, इसके आगे ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सब पढ़ने के लिए मैं अब आपको बता देता हूँ, हमें कुछ चीजें रिवाइज करके रखनी है, सैटरडे तक रिवाइज करके रखना है आपको सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। ये सब तो क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे बताया था वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, ये बताया था किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी, ये दिख रहा है? श्रुति माइक मत ऑफ करो बच्चे, श्रुति माइक ऑन कर लो। ये वेलोसिटी वाला पार्ट, एंड ऐसे मैंने एक्सेलरेशन लिखना सिखाया था आपको। यस सर। किसी भी पॉइंट का वो पूरा एग्जांपल लेके, ये दोनों चीजें करके रखनी है, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट, जिस बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर दे। हाँ सिड बोलो। सर हम लोग ने जब पहले निकला था तब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों लिया था? वो तो मैंने दिखा दिया आपको क्योंकि ओमेगा पता है, हमें ओमेगा पता ही नहीं होता तो हम लिख ही नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं है, समझा? लेकिन जब हम लोग ने सर वो क्वेश्चन किया था ना, दिखा रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया आप कौन सा कह रहे हो, ये वाला? यस सर। राइट, इसमें तो सब कुछ ही जीरो हो रहा था, इवेंचुअली नेट फोर्स भी जीरो था, नेट टॉर्क भी जीरो था। यस सर। तो एक्सेलरेशन तो आएंगे ही नहीं, समझ रहे हो? सर एक और क्वेश्चन, जो सिलेंडर एक
एक सिलेंडर था, उसके नीचे एक और सिलेंडर था ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था. सर उसमें वहां पे तो सिर्फ टेंजेंशियल वाले यूज हो रहे थे बच्चे, मैं दिखा देता हूँ आपको. और वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया, वो कहीं भी यूज नहीं होता. तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रिपिटल का कोई यूज नहीं है ऐसे रोटेटिंग बॉडी में, ठीक है. हिंज फोर्सेस में यूज है केवल, मैं बता रहा हूँ, आप इनकी बात कर रहे हो राइट. तो यहाँ पे ना जो अगर सेंट्रिपिटल आता भी तो टूवर्ड सेंटर आता, तो वो तो हमारे एफबीडी का पार्ट ही नहीं है ना. राइट, क्लियर है? ऑल कोई डाउट बोलो. कंसीडर कब करेंगे? नहीं करना है इंच फोर्स वाले केस में, करना है बाकी और कहीं नहीं करना. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम. किसी को और कोई डाउट? फाइन. तो ये मैं नोट्स पूरे भेज रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. ओके बाय.